वो सामने दिख रहा है हमें बॉर्डर, साइड इंडिया है, दूसरी तरफ जो है वो नेपाल है। ये आरसी लाइसेंस और ये भंसा। व्हाट्स अप पीपल, क्या हालचाल। फाइनली आज वो टाइम है जब मैं अपना नेपाल राइड स्टार्ट कर रहा हूँ। बालू को मत देखो यार, सो के उठा बीचेस। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और अपनी गाड़ी है तैयार। काफ़ी लाइट पैकिंग करी है मैंने, और ये जो मेरा बैग है, ये जो है वाइल्ड क्राफ्ट का मैंने एक नया बैग ले रखा है यहीं से। सो, ऐसा कुछ है नज़ारा। और मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रुका हुआ था, मैं हूँ अपने होम टाउन में देवरिया, और यहाँ से जो पोखरा है 345 किलोमीटर समथिंग। सो आज का टारगेट यही है कि पोखरा पहुँचना है शाम तक, एंड लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। सो अपडेट ये है कि हम चल चुके हैं, लेट मी चेक, 55 किलोमीटर्स, और अभी जो टाइम हो रहा है वो है 8:47 AM, एंड यहाँ से आई थिंक 5-6 किलोमीटर में एक कट आएगा जो कि हमें सोनौली की तरफ ले जाता है, सोनौली बॉर्डर की तरफ। और अगर आप इसी रोड पे सीधा चलते रहे तो ये आपको सीधा लखनऊ ले जाएगा, वहाँ से आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ सकते हो। सो दिल्ली इधर है, मैं अपने घर से आ रहा हूँ, होम टाउन में हूँ मैं अभी। और मैं 2016 में गया था एक बार नेपाल, हालांकि मैं दूसरे रास्ते से गया था, बट वो रास्ता तभी बन रहा था। सो अभी काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, एंड रास्ते आई होप कि अच्छे होंगे। और सीन ये है कि इसकी मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैं अभी कहाँ था। मैं अपने होम टाउन में था और मैं अपने एक दोस्त के वहाँ रुका हुआ था, जो कि मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, वहाँ से निकलना ईजी होता है मॉर्निंग में। सो मैं वहाँ रुका हुआ था और वहाँ से निकला, और होम टाउन में मैं हूँ क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। हालांकि अभी स्टार्ट होने वाला है ऑफिस, तो जस्ट ये ट्रिप ख़त्म होते ही मैं वापस दिल्ली जाऊँगा। एंड ये ट्रिप जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है यार, काफ़ी सारी यादें हैं। मैं लास्ट टाइम जब आया था तो मैं पोखरा तक ही जा पाया था, और मेरा प्लान था मुक्तिनाथ जाने का, लेकिन तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी 2016 में, एज भी मेरी काफ़ी कम थी। और अभी जो है चीज़ें बदल चुकी हैं यार, सोनौली बॉर्डर 95 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 95 किलोमीटर्स यहीं ऐसे रोड्स पे तो मैक्सिमम 130 मिनट्स लगेंगे। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं सोनौली। सो वो सामने दिख रहा है हमें बॉर्डर, इस साइड इंडिया है, दूसरी तरफ जो है वो नेपाल है। तो देखते हैं डायरेक्टली हम क्रॉस कर सकते हैं या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। हालांकि 2016 में गया था तो मैंने ऐसे ही क्रॉस कर लिया था बिना किसी चीज़ के, एंड दूसरी साइड को जाके भंसार वगैरह बनाना होता है। सो लेट्स सी, ये है इंडिया नेपाल बॉर्डर, वेरी पीसफुल, हालांकि क्राउडेड है, मतलब पीसफुल यानी कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इजीली आ जा सकते हो, दोनों देशों के बीच बहुत ही अच्छा बनता है। मैं जाऊँ सामान वगैरह है, घूमने जा रहा हूँ, कपड़े वगैरह है, और इसमें कैमरा है। चलो धन्यवाद। टूरिस्ट सहायता कक्ष, पता नहीं मुझे किसी ने रोका नहीं और मैं रुका नहीं, मैं क्रॉस हो गया, कोई रूल्स वगैरह तोड़ रहा हूँ। आई डोंट नो, भंसार वगैरह, सर भंसार वगैरह कहाँ बनता है? भंसार यहाँ पे, थैंक यू। चलो जी, हम आ गए नेपाल, काफ़ी सारे लोग हैं और यहाँ बनता है भंसार, और काफ़ी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं भंसार के लिए आना। आगे भी जगह है, सो फाइनली 1.5-2 घंटे के बाद सोनौली बॉर्डर पे सिम कार्ड वगैरह तो ईजिली मिल गया था, एंड ज़्यादा कुछ नहीं लगता, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपको एक सिग्नेचर करना है, 2 थंब प्रिंट देने हैं, देन आपका सिम मिल जाएगा आपको। सो मैंने जो प्लान चूज़ किया, 200 रुपये सिम के लगे, और मैंने प्लान लिया 500 रुपये का, 499 का, जिसमें मुझे 2 GB पर डे मिलेगा 7 दिन के लिए। सो अभी मैं सोनौली से निकल रहा हूँ। भंसार में सीन क्या था कि आज बहुत ही भीड़ थी, इसलिए भंसार बनवाने में काफ़ी टाइम लग गया, और मैंने खुद नहीं बनवाया, मैंने एक
और एजेंट से बनवाया, जो ऐसे ही यहाँ पे घूमते रहते हैं, आपसे 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे और बनवा देंगे। तो मेरे टोटल 600 नेपाली एक्स्ट्रा लगे और मैंने 6 दिन का भंसार बनवा लिया है। और अभी जो है निकल रहे हम आगे की तरफ। पेपर्स हैं ये, RC लाइसेंस और ये भंसार। जी जी सीधा ना पोखरा। चलो जी। तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ काफ़ी चेक होती है यार। 2016 में भी जब मैं आया था यहाँ पे, RC सेकेंड प्रायोरिटी होती है इनकी, क्योंकि RC लगता ही है। सो ये एक ही डॉक्यूमेंट चेक करते हैं आपका, भंसार, जो कि आपका शॉर्ट टर्म वीज़ा कह सकते हो। और सो अपडेट, हमें अभी बुटवल में, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ यार पोखरा पहुँचने के लिए, और उसके बाद उसकी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। पोखरा आए मुझे बहुत टाइम हो गया था और फाइनली अभी मैं यहाँ पे हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को इस वीडियो पे, क्योंकि आगे जो है ना ये राइड जो है पोखरा के बाद से बहुत ही सही होने वाली है, बहुत ही सही होने वाली है। ओके, बुटवल टाउन जो है यहीं तक था, यहाँ से रास्ते हो गए पतले। आई थिंक धूल वगैरह ना उड़े उसके लिए पानी डाल रहे रास्तों पर। ये है सिद्ध बाबा धाम, ये कोई सा मंदिर है बटोल में, फेमस है। जब मैं अरीना एनिमेशन में था, पढ़ रहा था, तो मेरे इंस्टीट्यूट से एक ट्रिप आया था यहाँ पे, बट मैं नहीं आया था उस ट्रिप में, मैंने लोगों की वीडियोस देखी थी। सो गाइस, बटोल से जस्ट थोड़ा सा आगे निकलने के बाद रास्ते बहुत ही ख़राब है और नज़ारे कुछ ऐसे चल रहे, ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। मेरे को लग रहा है ट्रैफिक रोक के रखा था या फिर रास्ते ख़राब है उसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है, आई डोंट नो। और अपना न्यू टायर जो है अल्फा H1, अभी तक स्केड तो नहीं करा, थोड़ा बहुत स्लशी एरिया था। और ये देखो, सो चल चुके हैं हम टोटल आज 197 किलोमीटर्स रोड। कहीं पे ऐसा है जैसा आपको दिख रहा है और कहीं कहीं पे लाइक इन एवरी 2 किलोमीटर्स 100 मीटर का पैच या 50 मीटर का पैच ऐसा है जो बहुत ही गंदा टूट रखा है। सो इट हैपेंस पहाड़ी एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में ऐसा तो चलता ही रहता है। इंडिया से सस्ता है, इंडिया से सस्ता है ना इधर, 141 रुपये 70 पैसे नेपाली। कहाँ से आया आप? मैं दिल्ली से। हाँ, मेरा घर इधर ही है गोरखपुर के पास में, बट मैं रहता दिल्ली में हूँ। जी हाँ जी, पोखरा जाना है आपको? नहीं, पोखरा से आगे मुक्तिनाथ तक जाना है, पता नहीं। हाँ, रास्ते खुले होंगे ना? खुला है। गाइस, अभी भी यहाँ से पोखरा 60-70 किलोमीटर के आसपास है एंड यहाँ रुके हुए थे, मुझे बहुत प्यारी सी जगह दिखी और यहाँ पे मैंने गाड़ी को खड़ी करने की जगह दिख गई। सो मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए, निकल रहा हूँ मैं पोखरा की तरफ, शाम होने से पहले पहुँचना है वरना फॉग लैंप नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इजीली शाम ढलते ही बहुत जल्दी फॉग आ जाता है, सो प्रॉब्लम हो सकती है। सो निकलता हूँ मैं, सी यू, बाय बाय। बारिश हुई है यहाँ पे। पोखरा पहुँचने वाले हैं हम 35 किलोमीटर्स और है यहाँ से अप्रॉक्स, और यहाँ पे बारिश हुई है। थैंक गॉड मैं बच गया, क्योंकि बारिश मेरे आने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। सो क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे थे तो उन्होंने रेनकोट पहन रखे थे और बैग्स वगैरह कवर रख कर रखे थे। सो लकी कि बारिश नहीं हो रही है, वरना इस ठंड में, और जैसे शाम ढली ना धूप हटी, वैसे ठंड लगने शुरू हो गई है, और अगर इसमें बारिश हो जाए और मैं भीग जाऊँ तो चार चांद लग जाएंगे। सो सीन ये है कि 35 किलोमीटर्स और है और
शाम ढलने वाली है और टाइम एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा फ़ोन क्योंकि पॉकेट में है। सो आई थिंक 5:30 या 6:30 के करीब हो रहे होंगे, 5 या 5:30 के करीब हो रहे होंगे। सो शाम ढलने वाली है और नॉट श्योर कि कुछ दिख रहा है वीडियो में या फिर नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग। सो अगर रिकॉर्डिंग बंद हो जाए तो मैं डायरेक्टली होटल पहुँच के आपको आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा। टाइम हो रहा है 7:15 और हम पहुँच गए हैं पोखरा। यार रास्ते बहुत ही ख़राब थे और हालात देख सकते हो आप, ये सब धूल है। और होटल मैंने ले लिया है और मुझे ये ठीक डील लगी, 800 रुपये इंडियन में ये रूम है, ये एंट्रेंस, ये ठीक है, ज़्यादा बुरा नहीं है। वैसे देखा जाए ऑफ सीज़न के अकॉर्डिंग थोड़ा सा महंगा है क्योंकि ऑफ सीजन चल रहे हैं, सो फिर भी ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा घूमना नहीं चाहता था और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सो जो मिला मैं वो ले लिया और ठीक है, बढ़िया यार। थोड़ा सा मैं आपको बाहर भी दिखा देता हूँ एक से। सो दिस इज़ इट गाइस, मैं थोड़ा नहाऊँगा, फ्रेश होऊँगा, देन खाने के लिए कुछ ऑर्डर करूँगा, फिर कल सुबह निकलना है हमें मुक्तिनाथ के लिए। लेकिन रास्तों पर डिपेंड करेगा कि मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँ। इन्होंने बताया कि मैं कल शाम तक, अगर मैं कल 7 निकल जाऊँ तो कल शाम तक मैं मुक्तिनाथ पहुँच सकता हूँ, बट हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से जाएंगे। सो निकलूँगा मैं यहाँ से 7 या 8 के करीब और बाकी कल प्लान करेंगे। सो सी यू गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।